हम तुमको पाला हूँ रे, गुलामी करवाने के लिए हम तुमको जिंदगी दिया हूँ, खुद को मौत से बचाने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मगर आज रात को डांस पर जरूर आना प्लीज, क्योंकि अगर तुम नहीं आई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अगर थोड़ी सी सावधानी से तुम गाड़ी चलाते, ये नौबत नहीं आती। ए, व्हाट डू यू मीन, अगर आप थोड़ा सावधानी से चलते तो हमें यहाँ पे आना ही नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन भाई तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे? चिल्ला तो आप रहे हैं, नॉट मी। शेखरन बाबू, पप्पू बहुत अच्छा खेलता है, आप देखो तो सही। देखो जनता भाई, मैंने ना गावस्कर को, कपिल देव को, इमरान खान तक को क्रिकेट मैच खेलते हुए देखा है, समझे? जानते हो, हर वक्त उसकी तस्वीर मेरी आंखों के सामने उभरती है और मैं तस्वीर से हर वक्त कहता हूँ कि जा, चली जा यहाँ से, पीछा मत कर मेरा। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, प्रेम का कोई हिसाब किताब नहीं होता, इसलिए तो कहते हैं कि प्रेम ही ईश्वर है। और ईश्वर, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिन लोगों की जिंदगी की भाग दौड़ी उनके लिए जॉगिंग है, जिनके छोटे छोटे बच्चे टूटी हुई लकड़ियों के साथ हॉकी खेलते फिरते हैं, मैडम हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, और फटी हुई गेंद से फुटबॉल उछालते फिरते हैं, उन लोगों के लिए स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम और सर ने कहा डिस्को, ये सब सोचना भी एक भद्दा मजाक नहीं तो क्या है? करण, तुम मेरे पीछे आओगे तो तुम भी बर्बाद हो जाओगे, तो मैं तुम्हें भगा कर ले जाऊंगी। भगा कर ले जाऊंगी और रखोगे कहाँ? अपनी आंखों में। अच्छा, जरा देखो तो सही, जिस घर में मैं रहने वाला हूँ वो घर है कैसा? कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अब तैयार हो जा मदन चोपड़ा, तेरी बर्बादी का वक्त आ गया है। क्या नाम क्या है उसका? अगर नाम लूंगा तो वो बदनाम हो जाएगी। तुम ही मेरा जुनून हो, आई आई लव यू किरण। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि तुमने मेरे बारे में वहां सोचा तो सही, और वैसे भी ये फीलिंग ज्यादा मैटर करती हैं, ये गिफ्ट तो ऐसे ही नहीं। एक बार कह दो शिवानी कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। हरामजादे निकल जाए यहाँ से। एक बार कह दो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। कीड़े पड़ेंगे, तड़प तड़प के मरेगा तू। एक बार कह दो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। सोनिया, आंखों में तो देख रहा हूँ मगर जबान से भी सुनना चाहता हूँ, किससे? मैं वादा करता हूँ कि मैं जो कुछ करूंगा तुम्हारे साथ करूंगा, तुम्हारी सिवा किसी और के साथ नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे प्यार में रोमियो, फरहाद, एक्चुअली मजनू से भी ज्यादा दीवाना हो चुका। मैं जानता हूँ माँ कि आप अपने पति परमेश्वर के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगी, मगर क्या एक माँ पर उसके बेटे का कोई अधिकार नहीं होता? कोई बात नहीं सेनोरिटा, कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। राज, अगर ये तुझे प्यार करती है तो ये पलक के देखेगी, पलक पलक। ये तूफान के डर से चिराग ही ना जला रहा है। चिराग नहीं जला रहा रे, साला तू अपनी चिता जला रहा है, चिता। ए बेनस, ए तू अपन का बात समझता काहे को नहीं ली? जब मैं अपनी माँ की चिता को आग लगा रहा था तब तो तुम नहीं आए थे ना उसका मरा मुंह देखने के लिए। अब मैं भी तुम्हारा मरा मुंह नहीं देखना चाहता, तुम्हारी चिता को आग नहीं लगाना चाहता, इसलिए जा रहा हूं मैं। तेरे दरवाजे पर वफादारी करता रहा, शैतान को भगवान समझकर पूछता रहा, लेकिन वक्त ने आज मेरी आंखों से पट्टी उतार दी है। तुम भी तो कह सकती थी ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। हाँ मैं कह सकती थी, लेकिन पहले तुम्हें कहना चाहिए ना। मैं क्यों पहले कहूँ? तुम कहो ना पहले। मैं, तुम पहले कहो ना। तुम पहले कहो। अर्जुन, तुम भी मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? मैं आज यहां पर यही कहने आया हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। ये वही लड़की है ना जिससे तेरा चक्कर चल रहा है? सुना है बहुत नमकीन है, चक्कर देख लेते हैं। ओए, दुनिया की सबसे छोटी प्रेम कहानी अंजलि। यो
मेरा ऑपरेशन 15 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। अरे डॉक्टर साहब, 15 दिन की कहाँ बात कर रहे हैं आप, मैं तो 7 दिन में काम खत्म करके वापस आ जाऊंगा ना, आप फिक्र मत कीजिए बिल्कुल भी। बस आप मेरी माँ का ख्याल रखिएगा। आइडिया क्या? तुम मुझसे शादी करोगी? शादी? मैं सिर्फ राम को जानता, मेरा भाई। तुम साला एक दर्जन गांवटी लोग 2 साल से इधर में आके घुस बैठा है, तभी से साला वास्को में लफड़ा शुरू हो गया। अब जिंदगी की हर जंग जीतते चले आए और जिंदगी के सारे सहारे हारते चले गए। तब आप एक बेटी हारे थे, आज आप एक बेटा हारे। कौन हो तुम? मैं एक साधारण यात्री। साधारण? सूरज बादल के पीछे छिप जाए तो भी उसकी धूप नहीं छिपती। तुम्हारा भाग्य कहता है तुम साधारण नहीं हो। जिस घर की तुम बात कर रहे हो वो तो मेरा कभी था ही नहीं। पर ना कभी होगा। राधा, मैंने तुम्हें सिर्फ एक पत्नी के रूप में नहीं देखा, मैंने तुम्हें एक माँ के रूप में देखा, एक दोस्त के रूप में देखा, एक साथी के रूप में देखा, हर रूप में तुम्हें देखा। कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो पीते हैं कि यहां पर बैठ सकें, तुम्हें देख सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सकें। बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कह दिया हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा जब वो कहेगा दुनिया ही छोड़ दो। तो तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। मैं आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता, आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता। तुम पास नहीं होती तो तुम्हें चारों तरफ महसूस करता हूं, हर पल, हर घड़ी, हर वक्त। मैंने सोचा तुम्हारी माँ तो होगी ना। हाँ है ना, सबकी होती है। सबकी नहीं होती। You are very lucky. आ जाना तुझको याद आएगा मेरा ये अफसाना। देखो प्यारे ये नजारे, ये दीवाने, ये परवाने हैं इश्क में कैसे गुम। हाय, तेरे मुल्क का हर बेटा तेरे जैसा है क्या? ये तो नहीं पता, पर हाँ मेरे देश की हर माँ आप जैसी जरूर। तुम हिंदुस्तानी कभी अपनी गलतियां नहीं मानते। तुम हिंदुस्तानी? भगवान के लिए बता कौन है तू भाई, कौन है? औरत के दिल में जो प्रीत होवे वो हूं मैं, प्रेम हूं मैं। वैसे मैं किसी से एडवाइस नहीं लेता, लेकिन दूसरों को एडवाइस देने के लिए हमेशा तैयार रहता। वैसे भी अजनबियों की बात सुन लेनी चाहिए। दम को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन। तुम जानती हो कि पिस्तौल खाली? मैं जानता हूं कि पिस्तौल खाली है, लेकिन पुलिस नहीं जानती कि यह पिस्तौल खाली है। पहली बार किसी गोरे को इंडिया का तिरंगा लहराते हुए देख रहा हूं। 70 मिनट है तुम्हारे पास। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या समझोगे रमेश बाबू? वाह वाह, ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर। फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी में भी एंड तक सब कुछ ठीक ही हो जाता है। हैप्पीज एंडिंग। और अगर ठीक ना हो तो वो दी एंड नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मंकू आंख बंद करो, मैं मम्मी को किस करने वाला। मम्मी आदि मनो मम्मी नाउ फैमिली टाइम, एवरीवन कम हियर। मुझे आप में रब दिखा तो मुझे आपसे प्यार हो गया, आपको किसी और में रब दिखा आपको उससे प्यार हो गया। इट्स वेरी सिंपल जी। रहा ऐसी लेडीज को ये सब नहीं सोचना चाहिए। मेरे बचपन में भी मेरा एक ऐसा साथी था, मेरा सहारा, मेरे खुदा की रोशनी, बिल्लू। माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। अब मुझे जाना होगा। नहीं,
अब सिर्फ मुझे जाना होगा। कोई आखिरी ख्वाहिश? बैंकॉक में सबसे अच्छा इटालियन रेस्टोरेंट कौन सा है? क्या मतलब? मतलब मैं सोच रहा था कि तुम लोगों को खत्म करने के बाद आज रात इटालियन डिनर किया जाए, यू नो, स्पेगेटी बोलोनेज, अ ग्लास ऑफ रेड वाइन। तो जब जिंदगी के खतरों से बचने के लिए कोई बॉम्ब सूट नहीं पहनता तो मौत से बचने के लिए क्या पहनना? हे मिनम्मा, मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल का शब्द ही नहीं। अच्छा, कहां से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? हमने एक दिन में अपना सब कुछ खो दिया और उस दिन जाना कि किस्मत बड़ी कुत्ती चीज है, साली कभी भी पलट जाती। हम शरीफ क्या हुए? पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। तुम्हें केयरफुली, जो तुमने किया है वो गलत है। मैंने इतना कुछ किया आपके लिए और आप? तुम होते कौन हो मेरे लिए कुछ भी करने वाले? आपका फैन? तुम नहीं हो मेरे फैन। ऐसा मत बोलो, आपकी लाइफ के 5 मिनट में नहीं मिल सकते मुझे क्या? अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे? अगर जीत गए तो क्या कहना, अगर हारे भी तो बाजी मात नहीं। कभी कभी हम मुश्किल रास्ता सिर्फ इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमें लगता है इंपॉर्टेंट चीजें पाने के लिए हमें मुश्किल रास्ता अपनाना चाहिए। अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। बनिएगा दिमाग मियां भाई की डेयरिंग। कैरेक्टर सही नहीं है मेरा। Means, मतलब मैं लड़कियों को गंदी नजर से देखता हूँ। बेकार की बात तो करो मत। एक तो तुम्हारी गंदी हालतों के वजह से हाइट मेरी रह गई। मेरी वजह से तेरी आंख कैसे कम हो गई? गुटखा खाते हो कब कब? स्पर्म छोटे पड़ गए तुम्हारे और क्या? सिम्बा, हमेशा याद रखना कि तुम कौन हो, एक सच्चा राजा। अगर आपको लग रहा है ये सब फजूल है तो फिर आप यहाँ पर आए कि? मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो स्टेज में किसी और के साथ नहीं होना चाहिए।